अब से पहले बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। प्रदेश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट होने वाली है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और सभी मंत्री अधिकारी जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी भर्ती हैं, ओम प्रकाश सकलेचा और कमल पटेल सहित कई मंत्री होम क्वारंटाइन हैं और भोपाल में 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन भी कर दिया गया है, इसलिए वर्चुअल कैबिनेट होगी। कैबिनेट बैठक में देखिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदाय योजना, अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जैसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर बैठक में प्रस्तुतीकरण भी होगा। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, देश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट होने जा रही है और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी निश्चित तौर पर। जिस तरीके से हमने ये देखा, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे कई मंत्री अधिकारी हैं जो क्वारंटाइन हैं, तो ये जो एक नया प्रयोग किया गया है, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये प्रयोग होता है। लेकिन ये बताएं कौन कौन से मुद्दे इस कैबिनेट में डिस्कस हो सकते हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए जो कोरोना का पूरा संकट काल चल रहा है, इसने बहुत सारी व्यवस्थाओं को, बहुत सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद पहली बार ये बात कही कि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं, क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन लग रही हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कैबिनेट की बैठक वर्चुअली की जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो कोरोना की एक महामारी है, इसका प्रकोप है और इसी का अंजाम है कि भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लगातार कोरोना को लेकर काम कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे और ग्राउंड लेवल पर जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी भी जानकारी लगातार ले रहे थे, तो वो खुद ही इस दौरान कोरोना की चपेट में आ गए, संक्रमित हो गए। भोपाल के COVID-19 सेंटर में उनका इलाज चल रहा है, उनके साथ ही जो सहकारिता मंत्री हैं मध्यप्रदेश के, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन दोनों ही बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से, जो मध्यप्रदेश के तमाम सारे मंत्री हैं, विधायक हैं और जो बड़े अफसर हैं, वो कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे, तो जिसके चलते वो भी अब होम क्वारंटीन है। तो ऐसे में अब कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है वर्चुअली होने जा रही है और देश में पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो कैबिनेट की बैठक है, किसी राज्य के कैबिनेट की बैठक है, वो वर्चुअली हो रही है और मध्यप्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। तो इस पूरे संकट को देखते हुए ये कदम है और इसको अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हो, काम करना सरकार का बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। तो आज एक नए रूप में मध्यप्रदेश में हम देखेंगे पहली बार की कैबिनेट की बैठक हो रही है, ब्रीफिंग होगी, वो भी ऑनलाइन जो लिंक्स हैं उनके माध्यम से की जाएगी। बहरहाल जो बड़े मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो डिस्कशन का मुद्दा होगा करिश्मा, वो कहीं ना कहीं कोरोना ही होने वाला है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है, भोपाल सहित तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर लॉकडाउन किया हुआ है, जहां पर धारा 144 लगाई हुई है और इसके बाद भी जो संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो चंबल एक्सप्रेस वे का एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर काबू करने के लिए सरकार आज अपने मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन है उसको कम करने की मांग हो सकती है, जो एक बिजली के बढ़े हुए बिलों की समस्या है, पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम कई अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर आज इस कैबिनेट में डिस्कशन होना है और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि वर्चुअली हो रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये प्रयोग किया जाता है, नया प्रयोग। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी देखिए बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैलियां की गई, लेकिन अब क्योंकि अधिकारी कर्मचारी क्वारंटाइन है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हुआ है, तो ऐसे में ये देखा बीजेपी ने लगातार अपना काम जारी रखा और देखिए आज ये वर्चुअल कैबिनेट होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।